दोस्तों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल तो देखा ही होगा। इस सीरियल के सभी कलाकार लोगों के दिलों में बसते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल एक कॉमेडी सीरियल है और इसीलिए लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं। और इस सीरियल के कई किरदारों में से एक किरदार है मिस्टर हाथी, जो काफी इंटरेस्टिंग किरदार है। आपको बता दें कि पहले मिस्टर हाथी का किरदार कवि कुमार आजाद निभाते थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद ये किरदार निर्मल सोनी को दिया गया। निर्मल सोनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने से पहले भी कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर वो रहने वाली महलों की, FIR, चंद्रकांता और कबूल है जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल शामिल हैं। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने के बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। निर्मल सोनी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में एक एपिसोड के 30,000 से 40,000 रुपए तक फीस दी जाती है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि निर्मल सोनी इस किरदार से बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि निर्मल सोनी ने छोटे पर्दे के साथ ही साथ बड़े पर्दे पर भी काम किया है। अगर निर्मल सोनी की संपत्ति की बात की जाए तो निर्मल सोनी की 2020 के आंकड़े के अनुसार टोटल संपत्ति 3 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।